नरम डो, मज़ेदार फिलिंग्स, टेस्टी डिप्स और चाइनीज़ कल्चर को एक्सप्लोर करना अपने फ़ायदे के लिए। कंबाइन ऑल दीज थिंग्स एंड यू गेट गियोज़ास। गियोज़ास पाकिस्तान में काफ़ी अंडररेटेड हैं, लेकिन दे टेस्ट इनक्रेडिबल। इनको बनाना भी बहुत ईजी है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा गियोज़ास बनाने का बेस्ट तरीका। सो लेट्स पुट ऑन आवर बेस्ट एप्रन एंड गेट टू वर्क। अब गियोज़ास आर अ फॉर्म ऑफ डंपलिंग्स एंड आर बेसिकली चाइनीज समोसास। एक डो में डिफरेंट फिलिंग्स डालकर इसको स्टीम, बॉयल या फ्राई किया जाता है। गियोज़ास की शेप यूजली हाफ क्रेसेंट होती है, वेयर एज डंपलिंग्स यूजली सर्कल होते हैं। आप इनको किसी भी चीज से स्टफ कर सकते हैं एंड यू कैन ईट इट हाउएवर यू लाइक। लेकिन आप इनसे अपना रोजा ना खोलिएगा प्लीज, वो बर्गर होने की एक नेक्स्ट लेवल स्टेज हो जाएगी। बहुत थ्योरी होगी है। कैमरा एंगल 2 के बाल ठीक करें एंड लेट्स बिगिन। कोकोमो के पैक से 3 की बजाय 4 पीसेस निकलने वाली खुशी को अगर आप कुकिंग में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं थ्रू परफेक्ट डोज एंड ब्रेड्स, तो मेक श्योर यू मेजर योर इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेटली। इसके लिए आपको एक किचन स्केल की जरूरत पड़ेगी। मेरे वाले की बैटरी खत्म हो गई है, बट दैट्स नो प्रॉब्लम क्योंकि मैं इसको क्विकली ऑर्डर कर सकता हूँ थ्रू पाकिस्तान नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर Daraz.pk। Let me just take my phone, find the product, I'll add it to my cart, pay through card and done. ये देखें, ये आ भी गया है। कितनी फास्ट डिलीवरी है दराज की। योर रिजल्ट्स एंड डिलीवरी टाइम्स में वेरी। ऑल्सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दराज, अगर आपको अभी तक पता नहीं चला था। दराज के पास दुनिया भर की चीजें हैं एंड देयर डिलीवरी टाइम्स एंड कस्टमर सपोर्ट इज अनमैच्ड एंड दे हैव लिटरली एवरीथिंग गाइस। ये देखें, मैंने अपने म्यूजिकल पैशन को एक्सप्रेस करने के लिए दराज से फ्लूट भी मंगवाया है। म्यूजिकल टैलेंट इसके साथ नहीं शिप होता, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। इसके अलावा मैंने अपनी बिल्ली के लिए ये कैट ब्रश भी मंगवाया था जो इसको बहुत पसंद आया। एज यू कैन सी दिस इज माय किटन सॉय बाय द वे। ये आपके ब्रश के साथ नहीं आएगी, इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। क्रिकेट के पैशन को रीइग्नाइट करने के लिए मैंने ये बैट भी मंगवाया दराज से, लेकिन देन आई रियलाइज कि मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती, तो आई जस्ट यूज दिस एज अ गार्लिक क्रशर। कहने का मकसद ये है कि दराज हैज एवरीथिंग यू नीड और माइट नीड इन द फ्यूचर एंड इफ यू कैन थिंक इट, दराज प्रॉब्ली हैज इट। अभी दराज की रमजान से लाइव है ऑन देयर साइट, वी कैन गेट अप टू 70% ऑफ ऑन एन इनक्रेडिबल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। दे इवन हैव अ सेक्शन फॉर किचन आइटम्स व्हिच इज सुपर कूल। इस वीडियो के सब आइटम्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। एक बोल में अपने नए स्केल के जरिए फ्लावर मेजर करें और उसमें गर्म पानी डालें। पानी बॉइलिंग से थोड़ा सा ठंडा हो, लेकिन इट शुड बी प्रीटी हॉट। फिर एक वुडन स्पून से सारा मिक्स करें और जैसे ही कंबाइन हो जाए, स्पून को छोड़कर अपने हाथ से इसको नीड करें इन द बोल फॉर अ मिनट। अब इसको प्रॉपरली नीड करने की बारी है। डो को स्टिक होने से बचाने के लिए वी शुड प्रोबेबली यूज अ सिलिकॉन मैट। लेट मी सर्च फॉर इट ऑन दराज एंड वाह, क्या बात है, हाउ कन्वीनियंट। ऑल्सो कितना अच्छा कलर है इसका। एनीवेज, मेरी ओवर एक्टिंग को इग्नोर करें बिकॉज वी नीड टू मूव ऑन। डो बॉल को अपने फैंसी सिलिकॉन मैट पर निकालें और रफली नीड करें। अगर आपकी डो बहुत ज्यादा स्टिकी है तो यू कैन फ्लावर द सर्फेस टू हेल्प द प्रोसेस। अब इसको नीड करना शुरू करें। एक हाथ से पुश इट फॉरवर्ड, पुल इट बैक एंड रिपीट। इस तरह इसको 5 मिनट नीड करें टिल इसका सर्फेस नाइस एंड सॉफ्ट हो जाए लाइक ए बेबीज चीक। फिर इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर बंद कर दें फॉर अराउंड 20 मिनट्स टू एन आवर। प्लीज डोंट डू दिस टू योर बेबीज। इससे डो थोड़ी रिलैक्स करेगी और इसको अपने फेवरेट नेटफ्लिक्स शोज देखने का टाइम ज्यादा मिल जाएगा। डो के रेस्ट करने के दौरान हम अपनी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए पहले अपनी गार्लिक को पील और मिंस कर लें। आप अपना नया क्रिकेट बैट यूज कर सकते हैं फॉर दिस, लेकिन इट्स बेस्ट इफ यू यूज अ रेगुलर मिंसर। फिर एक अनियन को रफली चॉप करें, देन पील एंड मिंस योर जिंजर। आप स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं इसमें इफ यू वांट। अब अनियंस में बहुत पानी होता है नेचुरली, तो इसलिए आई लाइक स्वेटिंग देम डाउन बिफोर एडिंग देम इनटू द फिलिंग। अनियंस को थोड़े से ऑयल में डालकर सॉटे करें फॉर अराउंड 5 मिनट्स स्टिरिंग कॉन्स्टेंटली। एक पिंच नमक का भी डालें ताकि पानी ज्यादा आसानी से निकल आए, जैसे प्याज को काटते वक्त आपकी आंखों से पानी निकला था। हम बेसिकली प्याज से बदला ले रहे हैं दिस स्टेज। अब मैं फिलिंग में एक अनकन्वेंशनल चीज करता हूँ एंड दैट्स एडिंग ब्रेड। हौसला रखें, जस्ट हियर मी आउट। ब्रेड मॉइस्चर ऐड करती है, इट बाइंड्स द होल थिंग टुगेदर और पता नहीं द फिलिंग जस्ट टेस्ट बेटर। अपनी ब्रेड तोड़कर एक फूड प्रोसेसर में डालें, ऊपर से अपने प्याज और एक स्टॉक क्यूब एंड ब्लिट्स इट 5 or 6 टाइम्स अंटिल एक क्रम्बली मिक्सचर बन जाए। एक बड़े बाउल में अपना चिकन कीमा डालें, ऊपर से अपना ब्रेड मिक्सचर, फिर इसमें गार्लिक, जिंजर, नमक, ब्लैक पेपर और पेपरिका डालें। इसको चम्मच से आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ यूज करने से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और एक्स्ट्रा फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा अगर आप हाइजीन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। इस सब को अच्छी तरह बाय हैंड मिक्स करें एंड मेक श्योर इसको अच्छी तरह मसलें। जस्ट इमेजिन यूर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वाली डूइंग दिस, आपका काम आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। व्हेन यू डन, वॉश योर हैंड्स और इसको उठाकर साइड पर रख दें। बैक टू आवर डो। अपनी डो को इसके वेकेशन होम से विक्ट करें एंड इट्स टाइम टू मेक आवर रैपर्स। अपनी डो के छोटे पीसेस कर लें एंड मेक श्योर ईच पीस इज 15 grams इन वेट। इसमें हमारा दराज से परचेस किया गया नया स्केल काम आएगा। मेरे गियोज़ा साइज में काफी चौंकी होंगे, लेकिन यू कैन मेक देम स्मॉलर और बिगर इफ यू वांट। सारी डो को पोर्शन करने के बाद एक पीस लें, इसको अपनी पाम से फ्लैट पुश करें अंटिल एक डिस्क बन जाए।
इसको अपने फ्लावर में डंक करें और फिर एक वेल फ्लावर रोलिंग पिन से खूबसूरत गोल रोटी बना लें। मेक श्योर कि दिस इज सुपर थिन, इतनी थिन कि आपके मुस्तकबिल इसके थ्रू नजर आना शुरू हो जाए। बाकियों के साथ यही प्रोसेस रिपीट करें और इनको पाइल करना शुरू करें। बीच में इनके फ्लावर जरूर डालें वरना दिल स्टिक। जब सब रैपर्स बन जाएं तो इट्स टाइम फॉर असेंबली। डोंट वरी, आपको कोई लामक बाल की नजम नहीं डिसाइड करनी होगी। तो एक कप पानी का अपने साथ रखें एंड लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग दीज गाइज। एक रैपर लें, उसमें अपनी फिलिंग डालें, इसके आउटसाइड पर पानी डैब करें थोड़ा सा, इसके साथ जोड़ें और फिर एक फोल्डिंग मेथड से एक्सेस डोर्स के साथ जोड़ दें। होपफुली दिस इज मेकिंग सेंस ऑन कैमरा, इसको वर्बली समझाना थोड़ा मुश्किल है। अब आई एडमिट इसको ट्रेडिशनल तरीके से फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है, तो आई ट्राइड अ देसी समोसा तरीका टू। इसमें अब अपनी ग्योजा रैपर को काउंटर पर रखें, फिर अपनी फिलिंग डालें इसमें, फिर पानी लगाएं एजेस पर और फिर एक एज को उठाकर दूसरी एज के साथ जोड़ें एज इफ यू आर क्लोजिंग अ बुक। फिर अपने हाथ के राउंड हिस्से से इसको प्रेस डाउन कर दें। इसको आराम से उठाकर इसकी एजेस को क्रिंकल करें उसी टेक्निक से। दिस इज मच इजियर एंड सिंपलर टू डू देन द अदर मेथड। देखा कितना आसान था ये, डंपलिंग टू वरी अबाउट इट ऑल। अब इनको कुक करने के भी बहुत ज्यादा तरीके हैं। यू कैन बॉयल देम, यू कैन स्टीम देम, यू कैन फ्राई देम और ऑल ऑफ द अबव। आई रिकमेंड आप इनको स्टीम करें। You can do this in the pan, लेकिन it's best if you get a steamer designed for this. ये भी मेरे पास नहीं था, लेकिन you guessed it, हम दराज से मंगवा सकते हैं। Let me just place my order, और ये देखें, ये अभी से आ भी गया है। दराज is so quick and efficient, guys. ये dangerous looking device एक steamer है, and it's super useful. इसके package में included metal arms को इससे attach करें, as I'm doing here, and let's begin. अपने pot में boiling water डालें, फिर अपना steamer इसमें gently lower and करके छोड़ दें। Make sure you oil this beforehand, by the way, वरना एक चिचर life insurance salesperson की तरह चिपक जाएगा आपके strainer से। फिर अपनी डंपलिंग्स इसमें डालें, मेकिंग श्योर ये एक दूसरे से टच ना हो रही हो, क्योंकि कोविड फिर से फैल रहा है गाइस और हमें एहतियात करना चाहिए। लिड से कवर कर दें एंड लेट इट स्टीम फॉर अराउंड 15 मिनट्स। बीच में इसको खोल खोल कर ना देखें गाइस, स्टीम एस्केप कर जाएगी। जब टाइम हो जाए तो अपने स्टीम्ड गेस्ट्स को बाहर निकालें एंड वी प्रीटी मच डन गाइस। लेकिन मैं आपको एक और वेरिएशन इसकी जल्दी से दिखाता हूँ। स्टीमिंग के बाद आप इनको पैन फ्राई भी कर सकते हैं टू मेक देम नाइस एंड क्रिस्पी। इसके लिए अपने पैन में ऑयल डालें, लेट इट गेट नाइस एंड हॉट और फिर केयरफुली अपनी गियोजास को इसमें डाल दें। गोल्डन ब्राउन कलर जब हो जाए तो फ्लिप देम, कुक अगेन थोड़ी देर एंड ड्रेन ऑन टिश्यू पेपर्स। दैट्स इट, टाइम फॉर द डिपिंग सॉस। डिपिंग सॉस बहुत ही ज्यादा ईजी है। सोया सॉस, विनेगर, चीनी या हनी और चिली फ्लेक्स को कंबाइन करें एंड गिव इट अ मिक्स। एक प्लेट या प्लेटर में अपने गियोजास खूबसूरत तरीके से सजाएं एंड वी आर फाइनली रेडी फॉर द टेस्ट टेस्ट। जस्ट लुक एट दीज गाइज यार। अब टू मेंटेन ऑथेंटिसिटी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैंने यूज की है, हम इनको चॉपस्टिक से खाएंगे। क्योंकि मैं एक अल्ट्रा प्रो मैक्स बर्गर नहीं हूँ, आई डोंट हैव चॉपस्टिक्स एट होम, लेकिन जब दराज है तो टेंशन की क्या बात है। लेट मी जस्ट ऑर्डर इट। Nice. Just look at how good this piece looks, yaar. इस पीस को मजे से अपनी सॉस में डिप करें, take a bite and get ready to be transported to another dimension. Because guys, this is just unbelievable. इनका इतना distinct और मजे का flavor है, the dough is nice and soft, the filling is super flavorful. और सॉस के साथ दिस इज सुपर सुपर यमी। ब्रेड डालने की वजह से फिलिंग बिल्कुल भी ड्राई नहीं है एंड इट्स सुपर सॉफ्ट एंड फ्लेवरफुल। पैन फ्राई करने से इसका बहुत मजे का क्रंची टेक्सचर भी हो गया है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको डेफिनेटली फ्राई करें आफ्टर स्टीमिंग। इट्स जस्ट टू गुड। वी हैव रियली क्रिएटेड डंपलिंग डिलीशियस हियर। सो देयर यू हैव इट गाइस। अब आपको गियोजास भी बनाने आ गए हैं। मैं थक गया हूँ वीडियो बना बना के, तो मैं दराज से अपना आउट्रो भी मंगवा लेता हूँ। यहाँ से वाकई में सब कुछ मिलता है यार, लुक एट द डिलीवरी। तो प्लीज अपना ख्याल रखें, इस डिश को जरूर बनाएं एंड रिमेंबर कि डंपलिंग्स की तरह इंसानों के भी अंदर वाली फीलिंग इज व्हाट रियली काउंट्स। सो बी नाइस टू ईच अदर दिस रमजान। सी यू नेक्स्ट वीक।